वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है। दोस्तों आज का एक वीडियो जो है मोटो ब्लॉग कम ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है, और जगह जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त सीधे अपने घर से निकले हैं। चार जन मेरे साथ है इस ट्रैवल ब्लॉग में, या मोटो ब्लॉग में कहूँ तो। इस वक्त मेरे साथ में है भरत, जीतू और गौरेश, जिसे जो हम लोग से एक बार पहले महाबलेश्वर के लिए गए थे। हम चारों फिर से आज एक बार साथ में निकले हैं अपनी अपनी बाइक्स को लेके। इस वक्त सुबह के करीब करीब बजे है 6:30 और हम जा रहे हैं भाऊचा धक्का, जहाँ से हमने इस बार एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की राइड का सोचा है। भाऊचा धक्का से हमने इस बार जो है रोरो बुक की है। हम सीधे रोरो में जाएंगे और रोरो में अपनी बाइक को पार्क करेंगे और सीधे रोरो के थ्रू हम पहुंचेंगे मांडवा पे। तो दोस्तों चलते हैं सीधे अब रोरो की ओर। इस वक्त हम करीब करीब तो पहुंच चुके हैं भाऊचा धक्का पे, जाएंगे सीधे रोरो में, और रोरो में जाके फिर एक बार कैमरा ऑन करके आपको अंदर का सीन क्या है वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। दोस्तों इस वक्त बाइक की एंट्री भी शुरू हो चुकी है, तो हम सीधे यहाँ से इस ब्रिज से होते हुए जा रहे हैं रोरो के अंदर, जिसके लिए मैं बहुत काफ़ी समय से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो लास्टली आज जो है बाइक राइड करते हुए ये एक दिन की जो ख्वाहिश थी वो हम पूरी कर रहे हैं। सारी कार्स पार्किंग हो चुकी है, अब जो है बाइक की बारी है। तो हम सीधे अंदर आ चुके हैं और इसलिए पार्किंग के लिए शायद हमें पार्किंग यहाँ पर अंडरग्राउंड पर करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों इस वक्त सुबह के 7 बजे है और हम सभी लोग जो है रोरो में आ चुके हैं। हमने यहाँ पे बोर्डिंग कर ली है, बाइक पार्क वगैरह कर ली है, और इस वक्त हम लोग रोरो के अपर डेक पे खड़े हैं, जहाँ से यहाँ का खूबसूरत नज़ारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस वक्त रोरो जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, और करीब करीब यहाँ से 45 मिनट से लेकर 60 मिनट्स का रास्ता है मांडवा के लिए। बट मैं चाहता हूँ कि रास्ता 2-3 घंटे का हो, ताकि पूरी जर्नी को मैं और भी ज़्यादा इंजॉय करूँ, पर ऐसा होने वाला नहीं है। तो इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है इस वक्त आसपास का, वो भी मैं शूट करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आप भी इस वक्त रोरो में मेरे साथ में एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों इस वक्त हमारा रोरो से निकलने का समय हो चुका है। करीब करीब 60 मिनट्स के बाद में हम जो है मांडवा पे पहुंच चुके हैं रोरो से। बहुत ही खूबसूरत और यादगार लम्हे हमने इस वक्त रोरो पे बिताए हैं।
तो यह है इस वक्त रोरो से बाहर आने का खूबसूरत नज़ारा। सारी कार्स जो है बाहर निकल रही है एक एक करके, और देखिए इस वक्त एक लड़का जो है साइकिल लेके भी मुंबई से अलीबाग यानी कि मांडवा के लिए आया हुआ है। एडवेंचर का ट्रेन जो है मुंबई में पड़ते ही जा रहा है। हर किस्म के एडवेंचर के लिए लोग जो है इस वक्त घरों से बाहर निकल जाते हैं, और ये देख के बहुत 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 अच्छा अनुभव होता है। तो इस वक्त हम सीधे जा रहे हैं यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे जो है भरत, जीतू भाई और गौरव तीनों खड़े हैं। यहाँ से जो है मेरा आज की राइडिंग जो है शुरू होने वाली है। हम पहले डेस्टिनेशन मोबाइल में गूगल मैप में सेट कर लेते हैं। गूगल मैप में काशीद का रूट जो है वो सेट किया है। करीब करीब यहाँ से 50 किलोमीटर है और 1 घंटे और 26 मिनट का रास्ता है। तो चलते हैं सीधा काशीद के लिए। भरत जो होटल का नाम सुरभि बोल रहा था और यहाँ पे आते आते वो चेंज हो गया। वो बोलता कि सुरभि नहीं सुरुचि है, और उसे न सुरभि मिल रही है न सुरुचि मिल रही है। अब पता नहीं वो मैं कहाँ लेके जा रहा है, और हो सकता है कि पहुँचते पहुँचते सुरभि भी ना रहे सुरुचि भी ना रहे तो और ही होटल का नाम हो जाए। तो आई एम नॉट श्योर दोस्तों, अभी तक मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि मैं कौन से होटल में सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ। पहुँचने के बाद ही आपको बताऊँगा कि आपको जब कभी भी अलीबाग आते हो तो कहाँ है ब्रेकफास्ट करना। तो लेट मी रीच देयर एंड देन आई विल अपडेट यू अबाउट द होटल वेयर यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट, टेस्टी एंड यमी ब्रेकफास्ट। रेस्टोरेंट का जो नाम है वो सुरुचि है, सुरभि नहीं है। और हम इस वक्त सुरुचि के बाहर पहुँच चुके हैं। बाइक पार्क करेंगे यहाँ पे, सीधे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। पूरा अलीबाग घुमा दिया भरत ने हमें आज मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के चक्कर में, पर ठीक है, लास्टली वी हैव रीच्ड। दोस्तों इस वक्त सुरुचि से चलने का वक्त हो चुका है। नाश्ता यकीनन मैं कहता हूं दोस्तों, और हमेशा जब भी कभी मैं किसी ट्रैवल या मोटर ब्लॉग पे होता हूं तो मैं आपको फूड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। तो आज भी मैं कहूंगा कि सुरुचि में आप आते हो, अलीबाग में कभी भी आते हो तो सुरुचि में आइए और यहाँ पर ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट यकीनन प्रॉपर साउथ इंडियन होटल यानी कि ODP होटल टाइप का पूरा नाश्ता है। ब्रेकफास्ट में हमने इडली, पोहा, बटाटा वड़ा सांभर में डुबो के, जो कि जीतू भाई की बहुत ही फेवरेट आइटम है, आप भी कभी ट्राई कीजिए। जब बटाटा वड़ा लेते हो तो उसको सांभर में पूरा डीप कर लीजिए और फिर उसे खाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और मसाला डोसा, टी, कॉफ़ी सब कुछ लिया है, एक भी आइटम रिजेक्ट करने जैसी नहीं थी। बहुत ही यम्मी टेस्टी नाश्ता था। देखिए पूरे रास्ते पर जो है लोटस के फूलों से भरा हुआ ये जो एक तालाब है जिसमें खूबसूरत लोटस के फ्लावर्स हैं। मैंने दोस्तों लोटस के फ्लावर्स का इतना बड़ा पॉन्ड इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सच में मुझे लोटस के फ्लावर्स जो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, यहाँ से मज़ा आ गया। देखिए कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल नज़ारा है, अमेजिंग व्यू है यहाँ से। पीछे रह चुके हैं, और जब मैंने अभी कॉल किया तो पता चला कि भाई साहब दोनों एक मंदिर के दर्शन करने के लिए गए हैं। मुझसे भी कहा था सुबह उन्होंने मंदिर दर्शन के लिए, लेकिन बाइक राइडिंग के टाइम राइडिंग मुझे मूड नहीं था तो मैंने ना कहा उन्हें। तो उन्होंने पीछे से ही अकेले ही दोनों मंदिर के दर्शन के लिए गए हैं। और हम जहाँ कहीं भी राइडिंग के लिए जाते हैं भरत के रिलेटिव सारी जगह पे होते हैं। तो आज मरूर जंजीरा पे भी उसके रिलेटिव है, अलीबाग पे भी है, रेवदंडा पे भी है, तो शायद उनके रिलेटिव को रेवदंडा को मिलके। हाँ ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से है, सुपर अमेजिंग। तो शायद वो उनके रिलेटिव को मिलके ही आगे आने वाला है। ये देखिए इस वक्त सामने समुंदर है, और कितना ब्यूटीफुल व्यू इस वक्त यहाँ से है। अगर आप देख सकते हो इस वक्त गूगल मैप पे तो चारों ओर ये समंदर ही समंदर दिख रहा है, और हम इसे किनारे से होते हुए यहाँ से निकले। ये देखिए सामने का खूबसूरत नज़ारा, ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है आज का, ये ब्यूटीफुल सीनिक व्यू, इसे कहते हैं जन्नत दोस्तों। इसी के लिए तो मैं घर से यहाँ निकलता हूँ, दूर आता हूँ, मेहनत करता हूँ। अभी मेरे लिए मेहनत है, वो आपके लिए ना हो सके एक बार, लेकिन बहुत होमवर्क करना पड़ता है ऐसी जगहों पर आने के लिए, बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है। और सबसे डिफिकल्ट जो काम होता है वो ये होता है कि फैमिली मेंबर्स को आपको कन्विंस करना पड़ता है, बिकॉज टू व्हीलर के ऊपर आपको लॉन्ग राइडिंग जाने देने के लिए आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए सबसे बड़ी बाधा है। इन सब के होने के बावजूद भी मैं
अक्सर ऐसे खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए अपने घर से निकल पड़ता हूँ। सुबह के इस वक्त बजे है करीब करीब 10:34, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि इस वक्त 10:34 है। ऐसा ही लग रहा है कि सुबह के करीब करीब हम 7-8 बजे के आसपास घूमे, क्योंकि धूप जरा भी नहीं है। आज मौसम बहुत ही साफ है और बहुत झिनी झिनी सी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश है। तो ये सब कुल मिला के एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत एडवेंचर भरा पैकेज है आज का मेरा। ये इस वक्त मंकीज के बेबी बैठे हुए हैं, वाओ सो क्यूट, छोटे छोटे बंदर इस वक्त रास्ते पे बैठे हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है इस वक्त। हमें कहीं पे प्रॉपर रूम नहीं मिल रहा था सी फेसिंग, लेकिन अभी टच वुड भरत ने किसी को कॉल किया और किसी उनके खास जान पहचान वालों ने अभी उन्हें कहा है कि मरूड पे एग्जैक्ट सी फेसिंग ही कोई एक बंगलो है जो कि आप आज के लिए ले सकते हो। और देखिए अभी मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं जब तक बंगलो पहुँचता नहीं, देखता नहीं सी फेसिंग है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन भरत ने कहा है तो मैं भी मान रहा हूँ है, और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि है सी फेसिंग। लेकिन जब तक मैं वहाँ जाऊँगा इस बारे में 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि कसम से अगर सी फेसिंग बंगलो मिल गया तो आज की राइड मेरी सफल हो जाएगी, बहुत धमाल मजा आने वाली है। देखिए दोस्तों इस वक्त कितने मस्त लोकेशन पे बाइक राइड कर रहा हूँ मैं, एकदम समुंदर के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है और ये जो हमें पिकअप करने आए थे उन्होंने यहाँ से लेफ्ट लिया है और वाकई में समुंदर के सामने ये बंगलो है, नौकार विला। That's a nice place. बाहर से इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बंगले का फोटो मुझे पहले भी आ चुका है एक बार लास्ट ईयर, पर ये वही बंगलो लग रहा है मुझे, पर मुझे इस बंगले में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल स्टे हियर। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मरूड जंजीरा पे और आज का स्टे के लिए जो हमने जगह हमें मिली है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिला है हमें यहाँ पे भरत की वजह से। तो ये नौकार विला जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हो, इस विला का मुझे फोटोग्राफ पहले भी एक बार आया था, कुछ इवेंट्स के लिए मैं यहाँ पे आने वाले थे फैमिली के साथ में, पर किसी कारण से उस वक्त हम नहीं आ पाए और हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। पर वो कहते हैं ना कि नसीब में लिखा था यहाँ पे आके स्टे करने का, तो आज हम चारों बाइकर्स जो आए हैं यहाँ पे स्टे करेंगे। और इसके ठीक जो मेरे पीछे है वो बंगलो है, और बंगलो के सामने का व्यू अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए कैमरा रोटेट करता हूँ हमेशा की तरह, और मेरे सामने का इस वक्त का जो खूबसूरत व्यू है वो आपको मैं दिखाता हूँ, रूबरू कराता हूँ। देखिए ये है बंगलो के सीधे सामने ये रोड है, और रोड के सामने सीधा समंदर का ये खूबसूरत नजारा। जीतू भाई जो इस वक्त मोबाइल में बैठे हुए और मोबाइल में बैठ के काफी सारी प्लानिंग्स में लगे हुए हैं, आगे क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है, तो इस वक्त तो गूगल में शायद वही काम कर रहे हैं, या पता नहीं बिजनेस कर रहे हैं, या किसी के साथ चैट कर रहे हैं तो भी पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ काम में बिजी है एक जीतू भाई। ये पहला बेडरूम है जहाँ पे हम आज स्टे करने वाले हैं, ये हॉल है, ये एक और बेडरूम है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और बेडरूम है। सिंपल बंगलो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही लविश है, बट स्टैग्स के लिए स्टे करने के लिए और आपको क्या चाहिए, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। और सामने समुंदर है, इससे ज़्यादा आपको पता है कि मुझे तो कुछ भी और नहीं चाहिए, तो मैं तो बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। दोस्तों इस वक्त हम जो हमारे जिस बंगलो पे हम रुके थे वहाँ से थोड़ी सी दूर माउंटेन पे क्लाइंब करके बाइक को राइड करके मरूड जंजीरा से थोड़ा सा माउंटेन के ऊपर आके हम लोग दत्त मंदिर पे आए हैं, जहाँ का व्यू इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त ठीक मेरे सामने दत्त मंदिर है,
ये देखिए दत्त मंदिर। आप भी जब कभी इस एरिया में आओ तो यहाँ पे दर्शन के लिए दत्त मंदिर में आ सकते हो। और इसके ठीक पीछे जो है वो समंदर है। मैं कोशिश करूँगा कि बाइक वहाँ तक लेके जाऊँ। दोस्तों इस वक्त ठीक मेरे पीछे जो है वो श्री दत्त मंदिर है और हम यहाँ पे बाइक को राइड करके यहाँ पे पहुँचे माउंटेन के ऊपर। और यहाँ से जो है पूरे मरुड़ जंजीरा का जो है सुपर ब्यूटीफुल व्यू जो है वो आपको देखने मिलता है। मुझसे सुबह किसी ने कहा था कि आप अगर यहाँ पे आए हो तो मॉर्निंग इवनिंग को ज़रूर सनसेट के लिए यहाँ पे आओ, लेकिन सनसेट का जो मेरा व्यक्तिगत मूड जो रहता है वो समुंदर के पास बैठ के ही होता है। लेकिन यहाँ से इस वक्त मैं माउंटेन के ऊपर हूँ, छोटी सी हिल है, माउंटेन तो नहीं कहूँगा मैं। यहाँ से हकीकत में हो सकता है कि सनसेट का भी बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन इस वक्त यहाँ का जो सीन है वो सीन ही बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको यहाँ पर एक बार ऊपर आके यहाँ से जो है 360 डायमेंशन में पूरे मरुड़ जंजीरा का एक व्यू जो है आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त ठीक मेरे सामने क्या है। तो हर बार की तरह फिर एक बार कहूंगा कि कैमरा ज़रा रोटेट करके आपको मेरे ठीक सामने जो जन्नत है उसके दर्शन करा देता हूं। तो देखिए दोस्तों इस वक्त मेरे सामने क्या है। इस वक्त मेरे साथ जो है जीतू भाई है जिसने आज बहुत इंजॉय किया है बहुत ही समय के बाद में, और लास्ट दो ट्रिप से ही मेरे साथ में है महाबलेश्वर और देवकुंड। और सच में वो दोस्तों इसके शक्ल पे मत जाओ, ये आदमी बहुत दिल से बहुत यंग है, बहुत जवान है और बहुत ही खुश ए, मैं बुढ़ा नहीं है कुछ तो यार 50 तो है ही ना। नहीं नहीं यार अभी तो 29 कंप्लीट हुआ है। 29 है यस, तो यस। इस वक्त मैं जीतू भाई को बोलूंगा कि जीतू भाई का आज का जो इन्होंने जो एंजॉयमेंट किया मॉर्निंग से लेकर अभी तक 4:30 तक, जीतू भाई एक बार बोलो जरा प्लीज। एक जब हम जो शिपयार्ड में शिप में निकले थे ना रोरो में बहुत एक्साइटिंग था। उसके बाद 4 घंटा जो 2 घंटे की जर्नी थी 4 घंटा रूम नहीं मिला उसकी वजह से, लेकिन उसमें भी मजा था। ढूंढने का मजा अलग ही रहता है, इजी से जो मिलता है वो उसका मजा नहीं है। दोस्तों इस वक्त मैं मरुड़ जंजीरा फोर्ट के ठीक सामने हूँ और जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे वो जगह भी आपको दिखा दूँ कि कितनी छोटी सी जगह पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरे ठीक सामने का जो ब्यूटीफुल व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा मेसमराइजिंग है। आपको एक बार थोड़ा सा कैमरा रोटेट करके हर बार की तरफ फिर एक बार दिखाता हूँ कि कितनी ब्यूटीफुल जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, कितनी हाइट पे खड़ा हूँ। और यहाँ मेरे ठीक सामने समंदर है और उसकी जो वेव्स है धीमे धीमे करके मेरी ओर बढ़ रही है और सामने ठीक सनसेट हो रही है। जीतू भाई कुछ मस्ती के मूड में है तो कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सी बातें कर रहे हैं हंसी मजाक वाली। दोस्तों इस वक्त मैं कैमरा रोटेट करके आपको दिखाऊंगा कितनी खूबसूरत जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और मेरे ठीक सामने का नजारा जो है वो हर बार की तरह कितना खूबसूरत है। आपको थोड़ा सा रूबरू तो कराता हूँ दोस्तों, देखिए ये है ये ठीक सामने जो आप देख रहे हो वो जंजीरा फोर्ट है और ये समंदर की जो लहरें हैं और इसके ठीक सामने जो है वो सनसेट हो रहा है। और इस वक्त ठीक मेरे बाजू में जो राइट साइड में जो बैठे हैं वो है हमारे जीतू भाई, क्योंकि बहुत थक चुके हैं
और बहुत ही ज्यादा मस्ती के मूड में भी है। दोस्तों आज पहली बार एक और मैंने कुछ नया अलग सा काम किया है। मैंने बहुत साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले एक बोस का छोटा सा स्पीकर बाय किया था मैंने, जो कि आप साइकिलिंग के वक्त अपने साइकिल के ऊपर माउंट कर सकते हो या फिर आप बैकपैक पे लगा सकते हो। पर मैंने ऐसा कभी इसके पहले किया नहीं, लेकिन आज पहली बार मैंने इसे अपने बाइक के ऊपर, मेरे जो फ्रंट जो आगे का जो हैंडल है उसके ऊपर मैंने इसे माउंट किया है। और ट्रस्ट भी दोस्तों, पूरे ट्रैवलिंग के अंदर मैं जो इंजॉय कर रहा हूँ उसके म्यूजिक को सुनते हुए, जिसको मैंने अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से पैर किया है, और इस वक्त आप बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुन रहे हो वो भी मेरे बोस के स्पीकर से भी आ रही है। तो दोस्तों एक बार कैमरा रोटेट करके आपको इस वक्त मेरे बाइक की जो सिचुएशन है और कहाँ पे कैसे मेरे बोस का स्पीकर माउंट किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वक्त मैं मरुड़ जंजीरा बीच के ऊपर हूँ, मरुड़ बीच के ऊपर हूँ, और यहाँ पे इस वक्त का समय हुआ है 6:25, और इस वक्त मेरे सामने भरत जो है मेरी बाइक का मजा ले रहा है। ये देखिए भरत, तो यही सब मजा है यार। बॉम्बे से निकलो बाहर वीकेंड्स को, सैटरडे संडे को बाइक राइड करो, मस्ती करो, और सनसेट को एंजॉय करने के लिए हम इस वक्त यहाँ पे आए थे। लेकिन टच उड़ क्या बैड लक कहूँ मैं, कि बादल इतने हैं कि सन पता नहीं बादलों के पीछे कहीं छुप गया है और मेरा सनसेट आज मिस हो गया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बहुत गुस्सा भी आ रहा है बादलों पे कि क्यों इस वक्त तो मेरे और सन के बीच में आ गया, लेकिन ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो ये कुदरत के खिलाफ तो मैं जा नहीं सकता और किसी पे कोई केस फाइल तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन सीरियसली मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे सनसेट को इन्जॉय करना था, देखना था, और सुबह से मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पर ठीक है, कोई नहीं, और कभी सही, इतने बार मैं आता हूँ, जाता हूँ, फिरता हूँ, घूमता हूँ, तो कभी ना कभी तो फिर एक बार देख ही लूंगा। लेकिन सामने का व्यू जो है दोस्तों इतना खूबसूरत है कि मैं आपसे क्या कहूँ। इस वक्त मैं बीच के ऊपर हूँ, मेरी बाइक भी मैंने बीच पे लाई है और बीच की भी बहुत सी अच्छी फोटोग्राफी की है बाइक चलाते हुए मैंने। और ट्रस्ट मी दोस्तों, पूरे बीच के ऊपर अकेला मैं हूँ, कोई और दूसरी बाइक इस वक्त इस बीच के ऊपर नहीं है सिवाय मेरे KTM 390 एडवेंचर के। और हाँ, अब जो है गौरेश ने अपनी बाइक को यहाँ पे उतारा है और हम दो बाइकर्स दो राइडर्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस राइडिंग को। सामने का व्यू फिर से एक बार कहूंगा कि देख लीजिए, वापिस आपको भी, आपको कभी देखने मिले ना मिले, एंजॉय। कैमरा रोटेट करता हूं। इस वक्त सुबह के करीब करीब 8 बज चुके हैं और मैं और गौरेश जो है बीच पे आया है, बीच पे बाइक राइडिंग करने के लिए। कल इवनिंग को भी हमने बहुत धमाल की थी बीच के ऊपर, करीब करीब आधे घंटे तक हमने बाइक राइड की है और उसका पूरा वीडियो शूट भी किया है।
बहुत ही खूबसूरत दृश्य आया है, उसके बहुत ही स्लो मोशन में हमने उसे पूरे बाइक राइडिंग को कैप्चर किया है, उसके बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य कट करके मैं आपको इस वीडियो में डालूंगा। लेकिन लाइट उस वक्त जो थी बहुत कम थी, तो आज इस वक्त प्रॉपर सनराइज हो चुका है, प्रॉपर लाइट है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से इस मज़े को हम यहाँ पे बीच के ऊपर ले लें, क्योंकि अक्सर मुंबई में ऐसा कभी होता नहीं कि आप कहीं पे बीच के ऊपर बाइक ले जा पाओ, और गोवा में भी यही प्रॉब्लम होती थी, बीच के ऊपर बाइक अलाउड नहीं होती है, पर यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो पूरा समंदर जो है वो आपका है, आप जहाँ मर्जी चाहे बाइक चलाओ, ये पूरा समंदर, ये पूरी जगह ऐसा लगता है कि आपके लिए ही है। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, तो इस वक्त फिर से हम मांडवा जेटी पे आ चुके हैं और रोरो के ऊपर आ चुके हैं। इस बार जो है सबसे पहले हम यहाँ पहुंचे हैं ताकि बहुत ही अच्छी बाइक पार्किंग हमें मिले और अच्छी जगह पे बैठ के हम व्यू को ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। तो दोस्तों इस बार बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं, खट्टी तो यादें नहीं मीठी मीठी यादें हैं, हम चारों ने बहुत धमाल की है, तो फिर से हर बार के दरम एक एक पूछूंगा कि किसकी कौन सी खास मेमोरीज इस बार की ट्रिप में थी। तो सबसे जो आज के हमारे बेस्ट कैंडिडेट है मेमोरी क्रिएट करने में, उनको सबसे लास्ट में पूछूंगा। और हम तो ठीक है यार, पार्टी कर ली, मजे कर लिए, हमारा इतना कोई खास नहीं है, जिनका खास उनको लास्ट में लूंगा मैं। तो पहले गौरेश को पूछूंगा, गौरेश क्या धमाल की इस बार, क्या खास मेमोरी है इस बार की ट्रिप की? ये ट्रिप में राइड हुआ पर बॉडी पेन नहीं हुआ, सबसे बड़ा पार्टी है इस ट्रिप। तो इसके आगे भी ऐसे सब सेफ, मतलब सेफ नहीं, लग्जरी वाला। हाँ, इसमें राइडिंग एक्चुअली फील ही नहीं हुआ हमको, राइडिंग किया लेंगे 2-3 घंटा, दैट्स इट। और रोरो का एंजॉय किया और दूसरी बहुत सी धमाले की है, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। यस ओके, भरत बोलेगा, भरत ने क्या धमाल किया इस बार? आज अब की बार जो हमने जो सोचा वैसा ही हुआ, जैसे परेश भाई ने सोचा कि बीच के सामने मेरे को बंगला चाहिए, तो बीच के सामने इसको बंगला मिल गया। बीच के सामने बहुत कुछ चीजें मिलनी चाहिए थी, बहुत कुछ चीज मिल गई। और एम टू एम फेरी का जो मजा आया, और ड्राइविंग करना, अपना ये राइड करना बहुत अच्छा लगा, और वो जीतू भाई के साथ तो और ज्यादा ही अच्छा लगा। तो सबसे ज्यादा धमाल जो किए ना हम चारों ने किया, तो बहुत धमाल किया, लेकिन जीतू भाई ने बहुत एंजॉय ज्यादा किया, क्योंकि बहुत हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। तो जीतू भाई की इस बार के ट्रिप की जो खास मेमोरी क्या है, जीतू भाई शेयर करें। नहीं, बहुत अच्छा ट्रिप था, एंजॉय किया बहुत। खास कोई खास मोमेंट? नहीं, अच्छा है मोमेंट। मैं बताऊँ, एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मोमेंट कल जीतू भाई ने मेरे साथ में स्पेंड किया है। हम रात को जब बाइक पे रिटर्न घर पे आ रहे थे, तो जीतू भाई बहुत ही शायराना अंदाज में हो गए थे, बहुत अच्छी अच्छी शायरी बोल रहे थे मुझे, और साथ में पल पल दिल के पास गाना, और हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, हम दोनों ने थ्रू आउट द जर्नी जो 30 मिनट की बाइक राइडिंग थी, वो उस दरमियान हम दोनों ने कई सारे गाने डुएट गाने, मतलब कोई मेल फीमेल नहीं था, हम दोनों ही थे, तो उन गानों को डुएट करके हमने दोनों ने बहुत गाया, बहुत इंजॉय किया पूरे रास्ते को। और नाचते नाचते, बाइक चलाते हुए नहीं आए थे, बाइक पे नाचते नाचते हम लोग जो थे वो काशिद से मरुड जंजीरा हमारे बंगलों तक पहुंचे थे। तो दोस्तों इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, मैं क्या कहूँगा, इतनी सीनिक ब्यूटी से भरी हुई ट्रिप थी, वो आपको सब कुछ इस व्लॉग में दिखने वाला है। अब बहुत सी चीज़ें मैं हर बार, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं स्किप कर जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजॉय करना होता है तो मैं हर चीज़ शूट नहीं कर सकता हूँ, और कुछ प्राइवेसी का भी मैटर होता है, तो सब कुछ शूट करके मैं डाल नहीं सकता हूँ, पर आप बहुत इंजॉय करने वाला है। तो हर बार की तरह बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और परेश जैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।